ज इज कॉल्ड टू द पॉइंट एक ऐसी जहां पर हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं प्रसाइट ऑफ व्यू से बेसिकली so इस सीरीज के अंदर हम लोग जितने भी करंट अफेयर उठाते हैं वो इस तरीके से उठाते हैं कि आपका प्रिलिम्स के अंदर उसका रेलिवेंस जो है वो आपको मैक्सिमम देखने को मिलता है एंड इफ यू विश टू कवर करंट अफेयर्स होलिस्टिकली उसके बारे में आपको बताऊंगा अभी कि अगर करंट अफेयर को कम्प्लीटली आपने कवर करना है और किस तरीके से वो एक ऑलरेडी एक कोर्स है विच इज गोइंग ऑन और उसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा कि एक ही रजिस्टर आपका बनेगा एंड वंस यू कम्प्लीट दैट पर्टिकुलर कोर्स तो यू आर डन फॉर योर करंट अफेयर्स उसके बाद आपको इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है तो अभी जो आज का टॉपिक है हम उस पर चलते हैं पहले एक सी ओ पी फिफ्टीन हुई है

इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से वो गोल्स हैं वो क्या सेट ऑफ गोल्स हैं जो यहाँ पे डिसाइड uh, हुए हैं और उनके बारे में देखते हैं हम बेसिकली ये हुई कहाँ पे इस इस स्लाइड का मतलब सिर्फ इतना इतने है कि मॉन्ट्रियल में ये कॉन्फ्रेंस हुई है सीओपी कौन सी है सीओपी फिफ्टीन है ऑफ यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस की राइट right? चलिए आगे चलते हैं क्या है इसके की प्रोविजन है ना मॉन्ट्रियल बायोडावर्सिटी फ्रेमवर्क के क्या क्या उसके अंदर प्रोविजन है सी नंबर वन भी है थर्टी बाय थर्टी अब क्या मतलब है थर्टी बाय थर्टी का ये आपको प्रीलिम्स के अंदर डायरेक्टली पूछा जा सकता है इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है स्टेटमेंट्स की फॉर्म में आ सकता है कि दो स्टेटमेंट दे दी विच ऑफ फॉलोइंग सेलेक्ट द करेक्ट इनकरेक्ट उस टाइप की स्टेटमेंट्स में वो आ सकता है सो लेट्स सी वन बाय वन की क्या है इसके अंदर चलिए नंबर वन इज थर्टी बाय थर्टी कंट्रीज एग्रीड टू प्रोटेक्ट थर्टी परसेंट ऑफ लैंड एंड वाटर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर बायोडावर्सिटी

किस तरीके से प्रोटेक्टेड कि वेरियस जो गवर्नमेंट्स के लॉज रहते हैं जैसे हमारे इंडिया में नेशनल पार्क्स बायोडावर्सिटी हॉटस्पॉट्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रामसर साइट्स है ना इस टाइप के जितने हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जो उन सब एरियाज की बात करें कि करंटली ग्लोबली सेवेंटीन परसेंट ऑफ द टेरेस्ट्रियल एंड टेन परसेंट ऑफ द मरीन एरियाज आर प्रोटेक्टेड विच आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर बायोडा थर्टी बाय थर्टी ये है नेक्स्ट देखते हैं कि फाइनेंसिंग फाइनेसिंग का एंगल क्या है इसमें टू हंड्रेड बिलियन पर ईयर इज चैनल इनिशियव फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट सोर्स मतलब नहीं करेंगी उसमें private जो players उनका पैसा भी इन्वॉल्व करना है कितना टू हंड्रेड बिलियन पर ईयर वेल्दियर कंट्री शुड कॉन्ट्रीब्यूट एटलीस्ट ट्वेंटी बिलियन और दिस वेरी ईयर वाइट दो हजार पच्चीस तक दो हजार बाईस से लेकर दो हजार पच्चीस तक ईयर ऑन ईयर इनको ट्वेंटी बिलियन जो है वेल्दियर uh, कंट्रीज को देना है एंड एटलीस्ट थर्टी बिलियन अ ईयर बाय ट्वेंटी थर्टी तो फाइनेंसिंग इसकी जैसी होगी जो आपको फिगर याद रखनी है वो बेसिकली टू हंड्रेड बिलियन पर ईयर की जो फिगर है वो आपको याद रखनी है एक इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है बाद में जाके uh, पहले इसको पहले देख लेते हैं दैट इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग इफ यू आर मेकिंग नोट्स इसका साथ साथ में है ना तो ये नॉट लीगली बाइंडिंग का जो पॉइंट है ये uh, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर आता है ये जो पर्टिकुलर चीज है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है तो यूपीएससी की टेंडेंसी रही है कि वो इस टाइप की चीजों को थोड़ा सा um, पूछ लेते होते हैं कि लीगली बाइंडिंग है या नहीं है या स्टेटमेंट में आ जाता है अगेन वही सेम जो आपको पहले बता रहा था कि कॉन्सेप्ट वाइज की दो चार स्टेटमेंट्स है उसके अंदर लीगली बाइंडिंग आ गया नॉट लीगली बाइंडिंग तो दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग द एग्रीमेंट इज नॉट लीगली बाइंडिंग बट द कंट्रीज विल बी रिक्वायर्ड टू शो देयर प्रोग्रेस ऑन मीटिंग टारगेट्स थ्रू नेशनल बायोडावर्सिटी

और रिफॉर्म दें ठीक है फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ सब्सिडीज होती हैं पेस्टिसाइड्स के ऊपर एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्सिडीज होती हैं जिसमें मोनोकल्चर भी प्रमोट होता है कई बार और इस टाइप की चीज़ें हैं तो बायोडाइवर्सिटी को जो जो सब्सिडीज़ हैं जितनी भी टाइप की सब्सिडीज हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडीज जो हैं उन सबको आइडेंटिफाई करना है 2025 और धीरे धीरे उसको जो है फेज आउट करना है तो ये इसका मतलब हुआ रिड्यूस पेस्टिसाइड यूज कंट्रीज हैव एग्रीड टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग द रिस्क बाय पेस्टिसाइड्स एंड हाईली केमिकल्स टू ऑलमोस्ट हाफ उसका जो यूज uh, है उसको भी हमने कम करना है तो बेसिकली ये सारी चीज जो है बायोडाइवर्सिटी को बचाने और एनहेंस करने के अराउंड रिवॉल्व होती है मेन जो इसमें था वो थर्टी बाय थर्टी नॉट लीगली बाइंडिंग और सब्सिडीज वाला जो पॉइंट है ये इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा

टेक दिस क्लास तो आपका करंट अफेयर का जो सिस्टम है वो ऑलमोस्ट डन हो जाता है कि इसके बाहर आने के चांसेस नहीं है अगर इनकेस आया भी है तो दैट विल बी अ क्वेश्चन विच हैज टू बी लेफ्ट राइट ऑल्सो यू गेट वीकली पी डी एफ एंड यू गेट वीकली टेस्ट एज वेल तो पी डी एफ पिछले हफ्ते की जो जितना पूरा करंट अफेयर रहा है उसकी आपको एक पी डी एफ मिलेगी हर हफ्ते और एक वीकली टेस्ट होगा हर हफ्ते

लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन यू कैन चेक इट आउट आप जाइए लिंक को खोलिए एक बार चेक कीजिए कि अगर आपको सूट करता है तो डेफिनेटली यू कैन कंटिन्यू विद द क्लास पर आप सेवन डेज का फ्री ट्रायल जरूर उसका ले सकते हैं एक बार हम इंडिया का सीनेरियो देखते हैं कि इंडिया में राइट right नाउ क्या है किस तरीके से चल रहा है है ना इंडिया कवर्स टू पॉइंट फोर परसेंट ऑफ द वर्ल्ड जोग्राफिकल एरिया एंड एकट इलेवन पॉइंट फोर परसेंट ऑफ प्लांट्स फ्लोरा एंड सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ एनिमल पॉपुलेशन कौन है ना एज पर गवर्नमेंट दो हजार ग्यारह का डाटा है इतना है कि इतना इतना इंडिया के अंदर वर्ल्ड जोग्राफिकल जो जितने भी ओवर है ओवरऑल स्पीशीज हैं वो इंडिया में इतनी इतनी कवर होती है और क्या डाटा है इंडिया हैज लॉस्ट अबाउट वन थर्ड ऑफ इट्स नेचुरल वेटलैंड दैट आर होम टू माइग्रेटरी बर्ड एंड लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड फिश स्पीशीज

और इस टाइप की चीज को भी कोट कर सकते हैं ये सब चीजें हम ऑलरेडी जो मैंने आपको क्लास बताया उसके अंदर हम ये इसको भी बहुत डिटेल में जो है वो तो डिस्कस करते हैं तो डू चेक इट आउट यू गेट अ सेवन डेज फ्री ट्रायल चेक इट आउट लिंक इज डाउन देर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन माय नेम इज रोहित गर्जा एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड टू द पॉइंट एंड यू आर वॉचिंग अभिमन्यू आई